चंकीला के शाहजीवना में सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद लद्दन इमाम के 462वें उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। हजरत सैयद महबूब आलम अल मरूफ शाह जीवना करोड़िया के पोते हजरत लुद्दन इमाम का उर्स हर साल अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। उर्स की तकरीब का आगाज सज्जादा नशीन साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल साले हयात ने दरबार के अहाते में वाके 60 फुट ऊंचे शतीर पर चिराग चढ़ाकर किया। रस्म चिराग देखने के लिए हजारों जायरीन मौजूद थे। जायरीन का कहना था कि उन्हें यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। हर साल हमने मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं, हर साल उर्स थे हमने ते इंशाल्लाह 13-14 साल हो गए लगातार आ रहे हैं, हर साल हर वक्त पूरा तराश होता है। शाहजीवना करोड़िया सरकार के जितने भी मुरीद हैं, मुतवसलीन और अकीदतमंद हैं, हम माशाल्लाह काफी तादाद में मौजूद हैं और जोक से जोक दर जो है ना शरीक हो रहे हैं। रस्म चिराग की तकरीब के मौके पर सज्जादा नशीन के भाई मखदूम सईद असद हयात और बेटे सईद खिजर हयात भी मौजूद थे। रस्म चिरागा की कामयाब अदायगी के बाद मुरीदैन ने खुशी का इजहार किया। फैसल साले हयात ने मुल्की सलामती और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ की। उनका कहना था कि शाह जीवना की तालीमात से रूहानी फैज का सिलसिला आज भी जारी है। मुल्क भर में मौजूद हजारों कीदतमंद उनकी तालीमात पर अमल पैरा है। उर्स के मौके पर जंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए, जबकि सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग भी की गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग।